हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री का पहला 100 से ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा Xiaomi ने Note 10 के नाम से लॉन्च कर दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि कैसे Xiaomi का 108 मेगापिक्सल कैमरा काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका पेज ओपन कर लिया है क्योंकि MI के इंडिया पेज पर अभी Note 10 अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे इसकी ग्लोबल वेबसाइट खोलनी पड़ी जहाँ पर इन्होंने इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं MI Note 10 के ओवरव्यू पेज में हूँ जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया हुआ है MI Note 10 ड्रीम बिग एपिक शूट वर्ल्ड्स फर्स्ट 108 MP पेंटा कैमरा। 5 कैमरों के साथ आया हुआ है और जिसमें इनका जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है। तो ये इसके कुछ और बाकी फीचर्स हैं जिनमें पेंटा कैमरा विथ 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 6.47 इंच की 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, रिस्पॉन्सिव इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है जिसमें 5260 mAh की बैटरी लगी हुई है, इनबॉक्स 30 वॉट फास्ट चार्जिंग, NFC के थ्रू अपने मोबाइल से ही आप अपना पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो फैसिलिटी भी इन्होंने इसमें दे रखी है। सबसे पहले वो कोट करते हैं कि वेलकम टू पेंटा कैमरा एरा। ये रहे इसके 5 कैमरे जिसमें सबसे पहला 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है जो कि 10x हाइब्रिड जूम के साथ आया है। दूसरा जो कैमरा है वो पोर्ट्रेट के लिए दिया हुआ है, 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा। ऐसा माना जाता है कि इसे लगभग 50mm का जो हमारे लेंसेज आते हैं उस लेंस के कंपेरेटिवली इसको बनाया जाता है। जो इस मोबाइल का सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है वो है 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा। यहाँ पे ये लोगों ने एक खास चीज मेंशन की हुई है जो है 1x1.33 इंच का सुपर सेंसर। ये कुछ अलग सी चीज है, अभी तक के जितने भी मोबाइल फोन रहे हैं उनमें ये सबसे बड़ा सेंसर है। तो इस बड़े सेंसर के साथ ही ये लोग 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा दे पाए हैं। लेकिन एक चीज इन्होंने इसमें बहुत अच्छी दी हुई है जो मुझे बहुत पसंद आई, वो है 4 एक्सिस का OIS सिस्टम, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है आपके लेंस को फिजिकली मूव करके ये स्टेबलाइजेशन दिया जाता है। फिर उसके बाद जो चौथा कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक मैक्रो कैमरा जो 2 मेगापिक्सल का है। अब आते हैं वापस 108 मेगापिक्सल कैमरा, फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड डिटेल्ड क्लियर पिक्चर लेंस। इसमें इन्होंने एक खास चीज़ जो बताई हुई है वो है कि ये कैमरा 108 मेगापिक्सल का है जिसमें एक सिंगल फोटो का रेजोल्यूशन जो है 12,032 और 9,024 का। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसका जो टोटल मिलेगा वो 108 मिलियन के आसपास मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 108 मिलियन पिक्सल आप उसमें यूज़ कर पा रहे हो। तो इसके साथ इन्होंने कोट किया हुआ है कि 12 टाइम्स हाई एच 4K रेजोल्यूशन। अभी तक जो वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा फेमस होता आ रहा है वो है 4K रेजोल्यूशन, तो उसका 12 टाइम ये बड़ा कर देंगे। इन्होंने इसका जो डिस्प्ले दिखाया हुआ वो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि जैसे ही आप इमेज खोलते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा साइज़ है इमेज का और वो सारा का सारा साइज़ डिटेल्ड साइज़ है। तो इसके बाद बाकी और चीज़ों की इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है कि कैसे आप टेलीफोटो कैमरा से जूम ले सकते हो, कैसे आप पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, कैसे आप अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम जब इस फोटो को ओपन करते हैं तो ये एक पैनोरमा मोड में, जैसे पैनोरमा मोड में फोटोज खुलती हैं वैसे ही खुल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्रो लेंसेस, मैक्रो शॉट्स। बाकी इसकी कुछ और डिटेल्स भी दी हुई हैं जैसे वीलॉग मोड दिया हुआ है, ये वीलॉग मोड है। अगर आप इस बटन को ऑन करते हो तो यहाँ पर इसका नाइट मोड आ जाता है। फ्रंट कैमरा में इन्होंने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम वापस जाते हैं और अब हमारा जो मेन काम है वो है इसके स्पेक्स में। मैं क्योंकि हम इसके कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं इसके स्पेक्स के बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को क्लियर किया हुआ है। जैसे अगर हम इसके रियर कैमरा सेक्शन में आते हैं, 108 मेगापिक्सल का जो पहला कैमरा है इसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि ये सैमसंग का मेक है, 108 मेगापिक्सल का है और यहाँ पर ये जो 0.8 माइक्रोन है ये आपके पिक्सल का साइज होगा। जब हम इसके ओवरव्यू पेज में डिस्कस कर रहे थे तो तब हमने देखा था कि जो पोर्ट्रेट कैमरा है उसके लिए इसने यूज किया हुआ है 1.4 माइक्रोन ये पिक्सल साइज यूज किया हुआ है। लेकिन जैसे हम 108 मेगापिक्सल को यूज करने की कोशिश करते हैं
ये साइज छोटा हो जाता है, 0.8 माइक्रोन का हो जाता है। एक जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर आप पिक्सल का साइज बढ़ा देते हो तो जितना ज़्यादा आप इसे बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइट आपको मिलेगी और उसी हिसाब से आपकी सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि आप बहुत हाई मेगापिक्सल यूज कर रहे हो और उसके साथ जो आपका सेंसर है वो काफ़ी छोटा है तो इस वजह से आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। लेकिन अगर हम इसी स्टेप में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि 1.4 माइक्रोन का ये आपको रिजोल्यूशन देगा अगर ये 4:1 सुपर पिक्सल करेगा। तो 4:1 सुपर पिक्सल है क्या चीज़? ये बेसिकली है कि 108 मेगापिक्सल को इसने 4 से डिवाइड कर दिया और जो आपको इमेज मिलेगी उसमें सिर्फ 27 मेगापिक्सल ही होंगे। 27 मेगापिक्सल का मतलब हो गया कि एक ही इमेज को इसने 4 बार शॉट लिया और उसको आपस में कंबाइन कर दिया तो 27 + 27 + 27 + 27 कुल मिला के आपको 108 मेगापिक्सल मिल जाएंगे। जहां हम 108 मेगापिक्सल में सिर्फ 0.8 माइक्रोन का ही डेटा उठा पा रहे थे अब हम वहां पर 27 मेगापिक्सल में 1.4 माइक्रोन का डेटा उठा सकते हैं। ये बहुत ही शानदार चीज़ हो जाती है, मतलब अब आपको जो डेटा है वो थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और एक चीज़ और होती है, जब आप इतना डेटा उठा रहे हो और सिर्फ 27 मेगापिक्सल ही यूज कर रहे हो तो आपका जो कैमरा है वो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो 12 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा में 1.4 माइक्रोन, 20 मेगापिक्सल का जब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज किया जा रहा है तो 1.12 माइक्रोन, और जब 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा टेलीफोटो कैमरा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है लेकिन मैक्रो कैमरा में इन्होंने इसे दिया हुआ है 1.75 माइक्रोन। 1.75 माइक्रोन बहुत अच्छा रेजोल्यूशन हो सकता है बिकॉज अगर हम देखें कि पूरे 5 कैमरों में तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा साइज है वो यहीं पर यूज किया। चलिए बात कर लेते हैं कि मेगापिक्सल आखिर है क्या चीज़। मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो पिक्सल है इसको हम मान लेते हैं कि सपोज करो ये एक बोतल है क्योंकि हमारा सारा डेटा लाइट है, उसको फिल कर लेते हैं और फाइनली अब हमारे पास, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 108 मेगापिक्सल हैं तो इसका मतलब हो गया कि 108 मिलियन ऐसी बोतल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं जिनमें डेटा भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स रखते हैं, उस बॉक्स के अंदर इन सारी बोतल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उस बॉक्स को बोला जाता है सेंसर साइज। अब सेंसर साइज है क्या चीज़? सेंसर साइज वो बॉक्स है जिसके अंदर फाइनली अगर ये 108 मिलियन है तो वो 108 मिलियन डेटा रख दिया जाएगा जिससे फाइनली उन 108 मेगापिक्सल का जो डेटा है वो डेटा फैच होके फाइनली आपकी इमेज में कन्वर्ट होगा। अगर हम बात करें सेंसर साइज की तो ये एक चार्ट मेरे पास है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग सेंसर साइज होते हैं। जैसे ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं 1/3.2 इंच, ये मोबाइल जो ट्रेडिशनल मोबाइल्स आते थे उनका सेंसर साइज हुआ करता था, काफ़ी छोटा था तो उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब थी। हम स्टार्टिंग में देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ जाता था, धीरे धीरे कंपनीज ने ग्रो करना शुरू किया और अच्छे सेंसर निकालने शुरू किए और अभी जो MI Note 10 में 108 मेगापिक्सल का सेंसर आया है वो इस जगह पे आता है और ये जगह है लगभग इसके बीच में। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि क्योंकि इतना बड़ा सेंसर साइज यूज किया गया, इवन जो हम छोटे डिजिटल कैमरा यूज करते हैं मार्केट में या पहले यूज किया करते थे उनमें इससे छोटे ये वाले सेंसर यूज हुआ करते थे, तो इन्होंने इस बार सबसे बड़ा सेंसर निकाल के उसके साथ साथ ही 108 मेगापिक्सल का जो रेजोल्यूशन गेन कर पाए हैं वो इसी वजह से गेन कर पाए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे DSLRs होते हैं, सब लोगों ने DSLRs देखे होंगे, तो DSLR दो कैटेगरी में आते हैं, एक क्रॉप बॉडी में और एक फुल फ्रेम बॉडी में। तो कैनन का क्रॉप बॉडी सेंसर ये रहा और इसी के हिसाब से निकॉन का क्रॉप बॉडी सेंसर ये रहा। अब अगर हम बात करें प्रोफेशनल कैमरास की, जो फुल फ्रेम कैमरा होते हैं जैसे निकॉन का D850 है, कैनन का 5D Mark IV है और सोनी के A7 Mark III, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतना बड़ा सेंसर साइज यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये एक इतना बड़ा गैप है जिसकी वजह से आपके जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं वो बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत बड़ा सेंसर बनाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब भी हो गया कि थोड़ा सा आप अगर अपना बॉक्स बढ़ा देते हो तो उसमें जो आप बॉटल्स रखोगे उन बॉटल्स का साइज बढ़ाया जा सकता है। अब आप सिंपली समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर 108 अगर आप बॉटल्स रख भी देते हैं तो भी उनका कोई उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, जबकि एक फुल फ्रेम कैमरा जो सिर्फ 30 मेगापिक्सल का हो सकता है वो सिर्फ 30 मिलियन बॉटल में ही बहुत बड़ा डेटा इकट्ठा कर रहता है बिकॉज उनकी जो
पिक्सल साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। इवन जो फुल फ्रेम कैमराज होते हैं उनकी जो पिक्सल साइज है वो 4.3 माइक्रोन या उससे भी ज़्यादा होती है। तो इसका जो सबसे अच्छा फायदा होता है कि क्योंकि इतना बड़ा आपके पास पिक्सल हो गया है जिसमें बहुत सारा डेटा, बहुत सारी लाइट भरी जा सकती है, इस वजह से उनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ इस वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पुराने कैमराज थे उनमें भी इवन जो बहुत कम मेगापिक्सल के कैमरा होने के बावजूद उनसे जो अच्छी क्वालिटी आ जाती थी उसका रीज़न ही यही हुआ करता था कि उनके जो भी पिक्सल साइज थे वो काफ़ी बड़े थे। आप देख सकते हो सिर्फ 6 मेगापिक्सल का कैमरा हुआ करता था निकॉन D40 2006 में, जिसमें 7.8 माइक्रोन की वजह से बहुत अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ आता था। अगर कुछ टाइम पहले की बात करूँ 2011 में जब कैनन का EOS 1100D मार्केट में था तो ये भी 5.2 माइक्रोन के हिसाब से था। ये मैंने पर्सनली यूज करके देखा हुआ है। तो यहाँ पर 6 मेगापिक्सल से लेके आपको 51 मेगापिक्सल इक्विवेलेंट तक का पूरा डेटा दिया हुआ है, जिनमें इतने बड़े माइक्रोन साइज की वजह से हमेशा DSLR जो है वो आपको अच्छी क्वालिटी का ही फोटोग्राफ देते हैं। इसके अलावा एक और कंपैरिजन देख लेते हैं Google Pixel 3A का। Google Pixel 3A मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये मोबाइल फोन सिर्फ एक कैमरा यूज करता है और उसके बावजूद सबसे बेहतरीन मोबाइल्स में कैमरा माना गया है वो इसी का माना गया है। तो अगर हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं जो इसका रियर कैमरा है वो 12.2 मेगापिक्सल ड्यूल पिक्सल कैमरा है और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। ये सिर्फ एक ही कैमरा है जो 1.4 माइक्रोन पिक्सल विड्थ का है। तो सिर्फ एक कैमरे की वजह से भी ये इतनी बेहतरीन क्वालिटी कैसे दे देता है। अगर हम ओवरऑल समराइज करें कि एक अच्छी फोटो क्वालिटी के लिए आपको क्या चाहिए, तो वहां पर हमारे पास ना सिर्फ एक अच्छा कैमरा होना जरूरी है बल्कि उसकी पिक्सल की विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, उसके अलावा उसका सेंसर साइज बढ़िया होना चाहिए और जो उसका प्रोसेसर है फाइनली जो डेटा प्रोसेस करेगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप इतना सारा डेटा कैलकुलेट करके लेके आ जाते हो, आपका प्रोसेसर भी बहुत अच्छी फोटोग्राफ बना देता है, तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो है उसका सॉफ्टवेयर जो आपके उस फोटोग्राफ को फाइनल लुक देता है। गूगल के साथ अच्छी बात यह है कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसका पिक्सल साइज बहुत अच्छा है, इसका सेंसर और इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है और फाइनली जो गूगल का कैमरा है उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी है, जो फाइनल आपके पास रिजल्ट देती है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है। तो इस कैमरे की इन सारी स्पेक्स को देखने के बाद, कैमरे को एनालिसिस करने के बाद, थोड़ा बहुत मेगापिक्सल के बारे में जानकारी लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भले ही ये कैमरा अभी DSLR की क्वालिटी को बीट नहीं कर सकता, बट मोबाइल फोटोग्राफी के फील्ड में ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। क्योंकि अब यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि जो सेंसर हैं वो बड़े होते चले जाएंगे और साथ ही साथ ज़्यादा मेगापिक्सल भी आना शुरू हो जाएगा। 108 मेगापिक्सल की इमेज को अगर आप एनलार्ज करने की कोशिश करोगे तो उसे काफ़ी देर तक एनलार्ज किया जा सके, काफ़ी देर तक उसे जूम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो कौन सा अपलोड किया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।